हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। आज हम मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग को जरा डिटेल में देखते हैं। मस्टर्ड प्लांट जो सरसों का साग होता है, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। ये सर्दियों में उगाया जाता है और इसके सीड्स जो है वो सर्दियों के एंड पर प्रोड्यूस होते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूज एज अ वेजिटेबल। अब ये सरसों का साग है तो इसे एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है और इसके सीड्स जो है वो सरसों का तेल अमूमन जो हम अपने सर पे बालों पर लगाते हैं वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसके सीड्स यूज किए जाते हैं। द ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब इसकी बॉडी जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड है। पहला होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है जो नॉन वेजिटेटिव पार्ट होता है। रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, ये इसके वेजिटेटिव ऑर्गन है जिसे हम लोग खाने के पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा और वेजिटेटिव ऑर्गन उन्हें कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। जब इसके फ्लावर्स जो हैं वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, और इसके फ्रूट्स और जो सीड्स हैं वो बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉग। फ्रॉग जो है इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। इसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनी हुई होती है और इसके रिलेटेड ऑर्गन जो है वो आपस में सारे ऑर्गन रिलेटेड होते हैं। हर ऑर्गन जो है वो स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर बना होता है जिसमें एपिथेलियल है, ग्लैंडुलर है, मस्कुलर है और नर्वस टिश्यूज हैं। इसकी डिटेल जो है ये प्रैक्टिकल वर्क है, उसमें आप लोग ज्यादा ये डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट है ये फ्लावर है, ये मस्टर्ड प्लांट है। ये यहाँ पर ये इसका फ्रूट है। इसके अलावा ये इसकी रूट्स हैं। इसके जो ओल्ड लीफ हैं वो नीचे वाले हिस्से पर होती हैं जबकि इसके जो न्यू वंस लीव हैं वो ऊपर वाले हिस्से पर आते हैं। दीज आर द फ्लावर्स एंड ये इसके पॉड्स होते हैं एंड दीज आर द लीव्स एंड इट इज अ कॉमन डायग्राम ऑफ फ्रॉग। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन कमेंट आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।